तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में, और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आज की मैं काफ़ी बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। जो भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका रेडियो ऑपरेटर का जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है उनके लिए भी मैं एक बिग अपडेट आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए पहला अपडेट, हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने पर्टिकुलर ये वीडियो बनाया है। अगर मैं यूपी पुलिस में आता था तो एक नोटिफिकेशन आपका रेडियो ऑपरेटर का भी दिख जाता है, क्योंकि 17 अगस्त को रेडियो ऑपरेटर के लिए आया था कि टेंडर आपका, टेंडर की बातचीत चल रही थी। और अब आपको ये भी बता दूं मैं कि अब आपको टेंडर से रिलेटेड कोई भी खबर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टेंडर का लगभग जो भी चीज़ें थी वो लगभग फाइनल हो चुकी हैं, और जल्द ही आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट भी आपकी जल्दी से जल्दी रिलीज होने वाली है। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 सितंबर की उन लोगों ने डेट दी थी और 1 सितंबर की डेट में उन्होंने सीधे से बता दिया है कि अब आपको टेंडर से रिलेटेड कोई खबर नहीं मिलने वाली है। आपको सीधे से अब आपका सीधे एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम का मोड आपको, जैसे कि आपको पता ही है कि किस मोड में एग्ज़ाम होना है, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब भी आपको फॉर्म आएगा उसके पहले आपको 1 मंथ पहले आपका, जब जैसे ही आपका आएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो लगभग 1 मंथ पहले आपको लगभग, या 1 से 2 मंथ पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द नवंबर तक में आपका एग्ज़ाम रेडियो ऑपरेटर का होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि टेंडर फाइनल हो चुका है। और किस कंपनी ने लिया है ये खबर अभी नहीं पता चल पा रही है दोस्तों, फिर भी RTI दायर की गई है, और जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट प्राप्त होते हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये भाई रही बात आपकी रेडियो ऑपरेटर की। भाई अब मैं बात करता हूँ कि टेंडर, जहाँ तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो टेंडर है वो फिलहाल दोस्तों फाइनल हो गया है, ठीक है। तो जहाँ तक कई कंपनियाँ थी जहाँ तक इसका टेंडर TCS ने लिया है, 90% चांस ये बन रहा है कि इसका टेंडर जो है TCS ने लिया है। क्यों लिया है भाई? क्योंकि कई सारी कंपनियां थी, काफ़ी खींचतान चल रही थी, काफ़ी दिनों तक खींचतान चली, और मीटिंग होनी थी 17 अगस्त को, और 17 अगस्त को मीटिंग हुई थी इनकी यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों की, कि कौन आपका, सभी एजेंसियां जो भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उन सब ने अपना आपस में जो भी बातचीत हुई हो भाई उसको रिलेटेड अपना किया। उसके बाद जहाँ तक ये फाइनल हो गया है, 1 सितंबर को ये फाइनल हुआ है कि लगभग फाइनल हो चुका है, ठीक है। टेंडर किसको मिला है ये कंफर्म नहीं, बट जहाँ तक TCS ने टेंडर लिया है अब दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करें तो इस फॉर्म में दोस्तों अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप याद रखिए कि इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। पेपर का जो मोड मैंने आपको बताया था, पेपर का मोड आपका हाइब्रिड मोड रहने वाला है। हाइब्रिड मोड का मतलब आपको मैंने बताया भी था दोस्तों, मैंने वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा आपको। हाइब्रिड मोड का मीन्स होता है पेपर तो दोस्तों आपका ऑनलाइन आएगा, मगर आपको जो उसका आंसर है वो OMR पे फिल करना होगा। पेपर का जो मोड है वो दोस्तों आपका ऑनलाइन ही आएगा पेपर आपका, मगर आपको जो उसके आंसर्स हैं वो OMR पर फिल करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इस वजह से किया गया कि जो दोस्तों नकल माफिया हैं उन लोगों से बचने के लिए ऐसा ये उपाय किया गया। अब देखते हैं कितना कारगर साबित होता है। इसी वजह से तो लेट हो गया कि काफ़ी कंपनियां जो हमारी हैं वो नहीं ले रही थी टेंडर की, भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम आएगा, OMR पे फिल कराएंगे, कितना टाइम लगेगा, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उसको मैनेज किया गया। और जैसे भी कंपनियों ने अपना बातचीत की, जो भी यूपी पुलिस व कांस्टेबल का जो भी बना सिस्टम वहाँ पर जाके, तो उसको ये कर दिया गया कि अब फिलहाल हाइब्रिड मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर आपका ऑनलाइन आएगा, OMR आपको आंसर शीट में OMR फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। 15 से 20 सितंबर के अंदर आपको एक दोस्तों बड़ी अपडेट मिलने वाली है यूपी पुलिस से। 15 से 20 सितंबर के अंदर आपको यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट मिलने वाली है। आप लोग याद रखिए, तैयार रहिए। और वो अपडेट क्या हो सकती है? नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट आप तैयार रहिए भाई, ठीक है। इसके लिए फिलहाल एज की बात करें, क्या एज में छूट मिलेगी भाई? क्या एज में छूट मिलेगी? ऐसा मुश्किल दिख रहा है दोस्तों, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो छूट मिलने का चांसेस है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जैसा कि MP पुलिस में और GD में ट्विटर कंपेनियन किया गया था, तो उसमें कैंडिडेट्स को एज में छूट मिली थी,
तो उसी तरह से कुछ हम लोगों को भी करना पड़ेगा ट्विटर कंपेनियन। अगर हमको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, अगर उम्र में छूट नहीं मिलती है, नोटिफिकेशन में उम्र से छूट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, तो आपको भी दोस्तों ट्विटर कंपेनियन करना पड़ेगा। हम भी आपके साथ हैं, आपको भी करना है, हमको भी करना है, तभी जाकर आप कर पाएंगे और तभी जाकर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो होगा दोस्तों दिसंबर तक के होने के 90% चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा कि एग्ज़ाम आपका होने लगेगा दोस्तों दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 1 सितंबर को उन्होंने बता दिया कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा CBT मोड होगा, रिटर्न ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 15 डेज पहले बता दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, कब से कब तक इसका रहेगा, कि वन मंथ के अंदर आप कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, कितने से फॉर्म भरें। लेकिन अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल ने जहां तक बताया है कि 20 से 22 लाख फॉर्म भरने की आशंका उन्होंने जताई है और इससे ज़्यादा ही दोस्तों फॉर्म भरेंगे, इससे कम नहीं भरने वाले हैं, आप इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा ही आपके फॉर्म भरेंगे, इससे कम नहीं भरेंगे। तो आपको ट्विटर कंपेनियन करना है एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग तैयार रहिए। 15 से 20 सितंबर की डेट याद रखिए, इसके बीच में आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। टेंडर फाइनल हो गया है, जहां तक 90% चांसेस हैं कि टेंडर को TCS ने लिया है, ठीक है। और इसके बाद रेडियो ऑपरेटर का भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि जल्द ही रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दोस्तों आपका होने वाला है। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।